मुनव्वर फारूकी हमेशा से ही सुर्खियों में घिरे रहे हैं, लेकिन जब से वो बिग बॉस में आए हैं वो टास्क से लेकर घर की कॉन्ट्रोवर्सीज तक काफी वायरल हो रहे हैं। और आज एक ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी सामने आई है उनकी डबल डेटिंग को लेकर। मुनव्वर फारूकी के ऊपर छाए हुए दो मामलों की वजह से पूरे सोशल मीडिया की आंखें उन पर हैं। एक तरफ उनका रिलेशनशिप स्टेटस है और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर चल रही है उनके इसी रिलेशनशिप की कुछ खबरें। लेकिन इसकी डिटेल्स में घुसने से पहले, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हर जिंदगी को सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसे ही धमाकेदार न्यूज के लिए। बिग बॉस में जाने से पहले सुनने में आया था कि मुनव्वर मॉडल आयशा खान के साथ रिलेशनशिप में है, जबकि वो नजीला के साथ ऑफिशियली रिलेशनशिप में पहले से ही हैं। लेकिन घर में जाने के बाद मामले बदल गए। आयशा ने हाल ही में एक पॉडकास्ट पर हिंट दिया है कि उन्हें एक बिग बॉस कंटेस्टेंट ने टू टाइम किया है, और ज्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि वो मुनव्वर की बात कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास प्रूफ है, लेकिन वो अभी तक सामने नहीं आया। यही नहीं, मुनव्वर की ऑफिशियल गर्लफ्रेंड नजीला ने भी कुछ ऐसा ही किया जिससे पूरी सोशल मीडिया के होश उड़ गए। उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया और जाने से पहले एक स्टोरी पोस्ट की जिसमें कर्मा और चीटर्स के बारे में लिखा था। जाहिर सी बात है, इस पोस्ट में वो शायद अपनी और मुनव्वर की रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही हैं, लेकिन ये पोस्ट आयशा के साथ वाली सिचुएशन से जुड़ी हुई थी। साफ साफ अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि मुनव्वर अभी भी बिग बॉस के घर में है, तो उनकी तरफ से कोई सफाई फिलहाल आना मुश्किल है। और इस खामोशी ने और भी कंफ्यूजन बढ़ा दी है, जिसमें फैंस और सोशल मीडिया की जनता दो टीम्स में बढ़ चुकी है। टीम मुनव्वर उन्हें सपोर्ट कर रही है तो दूसरी तरफ लोग आयशा के साथ हैं और मुनव्वर की तरफ से जवाब चाहते हैं, और वहीं नजीला के सपोर्टर्स उनके अकाउंट एक्टिवेट करने के इंतजार में हैं। मगर अब तक ये सिर्फ स्पेकुलेशंस ही हैं, इस पर किसी की साइड लेना फिलहाल जायज नहीं होगा। तो फाइनली सभी के मन में एक ही सवाल है, जब मुनव्वर घर से बाहर आएंगे तो क्या होगा? क्या वो इन बातों पर बात करेंगे? क्या आयशा अपना प्रूफ शेयर करेंगी? क्या नजीला अपना अकाउंट एक्टिवेट करेंगी या अपनी क्रिप्टिक स्टोरी के बारे में कुछ बताएंगी? ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। लेकिन इससे एक बात तो श्योर है कि ये सिचुएशन हमें रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस के बारे में काफी कुछ दिखाती है। आप हमें जरूर बताएं कि आपका क्या सोचना है इस मामले के बारे में, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हर जिंदगी के साथ।